अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज बहुत सारा काम है। आज हम कुकीज़ बना रहे हैं जो कि हैं ऑरेंज, रोज़मेरी और सिनेमन के फ्लेवर की, ठीक है। उसमें हम मदर चॉइस की आइसिंग शुगर का इस्तेमाल करेंगे, जो आपको यहाँ नज़र आ रही है, एक तिहाई कप हम वो डालेंगे। फिर हम बनाएंगे गजरेला, उसमें हम एसेंस डालेंगे। ये देखें, माय कुक का कार्डमम एसेंस है। इलायची पाउडर की जगह आप ये भी डाल सकते हैं, इसके अलावा इलायची पाउडर एंड ये दोनों भी जा सकते हैं, ठीक है। यू कैन सी अ वाइड रेंज ऑफ एसेंसेज ऑन माई शो टूडे। और हम चिकन बॉयल कर रहे हैं फॉर चिकन नूडल सूप, जो कि हम बनाएंगे यहाँ बेक पार्लर का चिकन नूडल सूप है, हॉट एंड सार सूप भी है, नूडल सूप्स, ओके, किट्स हैं इनके ये। सो नाउ सबसे पहले आपको दिखाते हैं कल का जो हमने टेरिन बनाया था। लुक एट द लवली टेरिन, उसके ऊपर मैंने व्हिप्ड क्रीम पाइप कर दी और उसके ऊपर मैंने वो क्रंच डाल दिया जो कि मैंने आपके सामने कल बनाया था, बादाम वाला क्रंच। अब आज हमने सबसे पहले क्या करना है, आइसिंग शुगर खोलनी है मदर चॉइस की और एक तिहाई कप इस बोल में, एक तिहाई कप आ जाएगी, ठीक है। इसको हम डालेंगे इन आर कुकीज टुडे। आइसिंग शुगर को कन्फेक्शनर्स शुगर भी कहा जाता है। एवरीथिंग हैज़ टू बी मिक्सड इन। एक तिहाई कप ये आइसिंग शुगर है, इसमें हम एक कप मैदा डालेंगे, ठीक है जनाब। फिर इसमें हम डालेंगे एक टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पाउडर है। फिर आधा कप कस्टर्ड पाउडर, वेनिला कस्टर्ड पाउडर जाएगा, ये कस्टर्ड पाउडर चला गया, अच्छा। फिर इसमें हम एक टेबलस्पून भर के ग्राउंड सिनेमन डालेंगे, दारचीनी। फिर हम इसमें रोजमेरी शामिल करेंगे, ये रोजमेरी है, कांटे कांटे जैसा होगा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है टू ऐड इन कुकीज़ एंड समथिंग डिफरेंट। सो ये रोजमेरी चली गई। फिर ऑरेंज का छिलका है, ठीक है, ऑरेंज का छिलका चला गया। आप मौसम्बी का कर लीजिएगा, उससे बेहतरीन हो जाता है, हार्ड होती है ना मौसम्बी, उससे आप ग्रेटर पर रख के कर दीजिएगा। फिर हमने इसमें डालना है मक्खन 185 ग्राम्स, ये यहाँ है। सो मक्खन, ऑरेंज का छिलका, रोजमेरी, पिसी हुई दारचीनी, कस्टर्ड पाउडर, वेनिला मैंने लिया है, बेकिंग पाउडर, मैदा और मदर चॉइस की आइसिंग शुगर, ये सब कुछ आपने एकदम डाल के ऐसे करके या फूड प्रोसेसर में डाल दीजिए या आप उसको इस तरह बीटर में डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए। फिर आप इसके कुकीज़ बना दीजिए और आप इसको एक घंटा फ्रिज में रहने दीजिए, निकालिए। और फिर यहाँ मेरे पास है चीनी, कैस्टर शुगर है ये, और इसमें हम दारचीनी का पाउडर डालेंगे, ठीक है, और इसको हम मिक्स कर देंगे और फिर हम इसमें एक एक कुकी को डिप करेंगे और फिर हम उसको प्लेस करेंगे ऑन बेकिंग शीट्स और बेक कर देंगे, चीनी और दारचीनी, ठीक है। बहुत आसान है रेसिपी, ज़रूर ट्राई करिएगा और हमारे साथ रहिएगा, तीनों रेसिपीज देखिएगा आज की। जो मक्खन है उसको इस तरह होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा, चिल्ड, क्यूब्ड, और आप इसको गूंदेंगे। पहले हम ज़रा मिक्स कर देते हैं, क्योंकि हर तरफ उड़ रहा था। इसको आपको गूंद के हाथ से फ्रिज में रखना है, ठंडा होगा डो तभी आप उसको फॉर्म कर सकेंगे, ठीक है। नहीं हो तो थोड़ा सा आप इसमें दूध शामिल कर सकते हैं, ओके। सो गजरेला इज़ द नेक्स्ट रेसिपी जो हम बनाएंगे, तो उसके लिए मैं दूध उबाल के लेके आई हूँ। 1 से 2 लीटर दूध लीजिएगा, उसको इतना उबालिएगा। ये जो पूरी रेसिपी लिखी है उसका मैंने हाफ इस्तेमाल किया है, ठीक है। सो मैंने 1 लीटर दूध दिया था, उसको उबाला था, एक घंटा रिड्यूस कर दिया था, फिर उसको हम पकाएंगे। चावल हैं जिसको भिगो के रख दिया है, गाजर हैं कुरच के रखा है, ये खोया जाएगा, बादाम पिसते हैं, आटा है इसमें, इलायची पाउडर है, इलायची एसेंस जाएगा माय कुक का, और चीनी है, और ये ऊपर जाएगा वर्क है,
चांदी का वर्क, दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल रेसिपी, हैज़ टू बी फॉलोड एग्जैक्टली, और बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बन जाती है, ठीक है। अच्छा, इसको मुझे मिक्स करना है, ये हम मिक्स करेंगे, डो बनाएंगे, डो बनाने के बाद हम इसको इस चीनी और दालचीनी में मिक्स करेंगे और फिर हम बेकिंग शीट पे रखेंगे और बेक करने रख देंगे, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। एक तिहाई कप मदर चॉइस की आइसिंग शुगर थी, एक कप मैदा था, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर था, आधा कप कस्टर्ड पाउडर, एक चमचा भर के दालचीनी का पाउडर था, एक टीस्पून रोजमेरी ड्राई फॉर्म में जो है वो, एक चमचा भर के आपने ऑरेंज का छिलका डाला ग्रेट किया हुआ, 185 ग्राम्स चिल्ड बटर है चॉप किया हुआ, मक्खन पिघला हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसको आप फूड प्रोसेसर में कर सकते हैं, हाथ से गूंथ सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, लेकिन मक्खन के वक्त आप उसमें हाथ नहीं लगाएंगे, बिकॉज मक्खन को पिघलना नहीं चाहिए। बस ये हम करके डो बना के रेडी करके रखते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं। और अब ब्रेक से पहले मैं आपको दिखा भी दूँ, वी गॉट द सॉस इज ऑल्सो ऑफ बेक पार्लर, चिली सॉस एंड वाइट विनेगर एंड सोया सॉस है, द टू नूडल सूप्स, इन्होंने नूडल सूप्स इंट्रोड्यूस किए हैं फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन जो फिनिकी हैं, खाना नहीं खाते हैं। सो अंदर इसमें मसाला भी है, नूडल भी है, ठीक है, और आपने सिर्फ इसमें चिकन एंड एग डालना होता है। सो दिस इज इट, टुडे आई एम गोइंग टू मेक चिकन नूडल सूप। और माई कुक के ये यहाँ कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा ये स्प्रिंकल्स हैं, सिट्रिक एसिड है, क्रीम ऑफ टार्टर है, जो पाउडर फॉर्म में बहुत सारे रेसिपीज़ में हम डालते हैं व्हेन वी बेक, और इसके अलावा मीट टेंडराइजर एंड ग्रीन पपाया पाउडर भी है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एंड कोको तो हम भी खुद भी इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप यू आर गोइंग टू यूज़ ऑल दीज लवली प्रोडक्ट्स एज वेल। इसका आज मैंने मदर चॉइस का आइसिंग शुगर का इस्तेमाल किया है, रॉसमोर का ब्रांड है ये। सो आई थिंक विल टेक अ ब्रेक, हम हाथ से इसको गूंद के रेडी करके रख देंगे बिकॉज देयर इज नो टाइम देन, और फिर एक एक कुकी को हम डिप करेंगे, आपके सामने बेक करने रख देंगे। अवन प्री हीट किया हुआ है, आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। देखें, बॉल्स बना के रख दिए हमने ये कुकी के डो के, मैंने इसमें 2 चम्मच दूध डाला था, प्लीज़ आप लोग भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब सारे के सारे कुकीज़ को उठा के हमने इसमें डालना है, यहाँ मैं रख देती हूँ, ये देखें, चीनी और दालचीनी, ठीक है, अच्छी तरह रोल कर दीजिए और रखते जाइए, चीनी और दालचीनी का ये मिक्सचर है। स्ट्रॉन्ग चाहिए तो और भी दालचीनी डाल सकते हैं। मैदा, आइसिंग शुगर, मदर चॉइस की बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड पाउडर, दालचीनी पिसी हुई, ड्राई रोजमेरी और ऑरेंज का छिलका और मक्खन, और इस बोल में है दालचीनी और चीनी। अभी हम इसको फ्लैट करेंगे यूजिंग कांटा, ठीक है। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं आज, ये देखें, फ्लैट 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 फ्लैट, एंड उसी तरह यहां भी फ्लैट देम लाइक दिस, ये फ्लैटन हो गए सारे, ठीक है। लेट्स पुट दिस टू बेक, पहली रेसिपी डन, अब गजरेला शुरू करते हैं। चलिए, इसको फेंकिएगा नहीं, इसको किसी चीज़ में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आर गजरेला। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ क्या क्या है। गाजर है, ठीक है, ग्रेट करके रखे हैं, चावल भिगो के रखे हैं, दूध उबाल के रखा है, चीनी है, खोया है, इलायची का पाउडर है, और हम एसेंस भी इनका इस्तेमाल करेंगे माई कुक का, आटा है, एंड देन तेल एंड आटा, तो हम विल कुक इन दी एंड एंड ऐड, ऊपर चांदी का वर्क, बादाम और पिस्ते, वेरी वेरी सिंपल, ऑल वी नीड टू डू इज़ क्विकली कुक एवरीथिंग टुगेदर, जिसमें सबसे पहले हम गाजर को इसमें डालेंगे। क्रश दीजिए या स्लाइसर का अटैचमेंट लगा के मशीन में, वो आप कर लीजिए। मशीन से मुझे याद आया, सैटरडे और संडे, हफ्ता इतवार, इस हफ्ता इतवार से शुरू हो जाएंगे मेरे डॉलेंस वाले का शो के एपिसोड्स भी, तो आप देखिएगा 12:30 दोपहर में या फिर शाम को 7 बजे, ठीक है। ये है और चावल हैं,
इसी पे थोड़ा सा पानी और चावल और गाजर, बस दैट्स इट। ये हम पहले पकने के लिए छोड़ देते हैं, ढक्कन ढाँक देते हैं ताकि इसी की भाप में हो जाए, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जब ये पक जाएगा फिर हम इसमें ये दूध डालेंगे। दूध चूँकि मैं पका के लेके आई हूँ, जल्दी से ये हो जाएगा, खोया जाएगा और फिर ये सारी चीज़ें जाएंगी। चीनी जाएगी तो इसका ऑब्वियसली अपना ही पानी निकलेगा, सो वी ऐड द चीनी ऑल्सो देन। मगर चावल हो जाए फिर चीनी और दूध और सब कुछ, ठीक है जी। टेरीन हमने बना लिया था जो कल, वो डेकोरेट करके रखा हुआ है, स्लाइसेस में काटिएगा। इंडिविजुअल सर्विंग भी आप ऑब्वियसली जब करेंगे तो अलग अलग आप क्रीम पाइप कर सकते हैं, ऊपर ये क्रंच डाल सकते हैं। अच्छा जी, कल मैं क्या बना रही हूँ, कल मैं कैरेट एंड जुकीनी का केक बना रही हूँ। गाजर है सीजन में तो ज़रा देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा। चॉकलेट ऑरेंज लॉग बनाऊंगी, छोटे से चॉकलेट्स टाइप होंगे। ऑरेंजेस भी सीजन में हैं तो बहुत सारे ऑरेंजेस की रेसिपी मैंने ऐड की हुई है। और आज लज्जत में 5 बजे मिसी रोटी बनेगा, शकरकंदी की चाट और स्पेशल दिल्ली निहारी। 5 बजे लाइव देखिएगा अबील एंड समीना आपा, ओके। चलिए, कुकीज़ जले जगह हैं अवन में। रोजमेरी का फ्लेवर है, ऑरेंज का इसमें फ्लेवर है और दालचीनी का है, और दालचीनी और चीनी में हमने रोल करके इसको बेक करने रखा है तो वो क्रिंकल कुकीज़ टाइप बनेंगे। जब बेक होंगे तब देखिएगा, ओके। सो नाउ आई हैव टू जस्ट वेट दिस आउट। और मैं आपको तब तक बता दूँ अबाउट माई सूप, जो हम आज सूप बनाने जा रहे हैं। ये देखें, हॉट एंड सार एंड चिकन नूडल सूप। हॉट एंड सार में भी नूडल्स हैं, उसमें भी चिकन नूडल में भी ऑब्वियसली नूडल्स हैं। 2-in-1 पैक है, एक मसाला सैशे है, एक नूडल का पैक है। कोई लेंथी प्रोसीजर है ही नहीं, 3 स्टेप्स हैं और थोड़े से अज्जा हैं। बस आपने एक अंडा डालना है, एक चिकन ब्रेस्ट बॉयल करके रेशा करके वो डाल देनी है और बस आप एन्जॉय द रियल टेस्ट। और इसमें कोई MSG नहीं है, जल्दी से ये पक भी जाता है। रियल चिकन ब्रॉथ और रियल नूडल्स से बनाया गया है, विंटर फ्रेंडली है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में इन्होंने लॉन्च किया है नूडल सूप, तो आप भी घर लाइएगा, 2 फ्लेवर्स हैं और इसका फ़ायदा उठाइएगा। अब देखें, पानी और चावल और गाजर, दिस हैज़ टू कुक, ठीक है। मैं जल्दी नहीं हम कर सकते हैं। सो हमारे कॉलर्स अगर हमसे बात करना चाहते हैं, नंबर्स हमारे चल रहे हैं, यू कैन कॉल अस, यू कैन टॉक टू अस। कोई भी आपने फूड रिलेटेड क्वेरीज पूछनी हो तो आप बताइएगा। अ बिग थैंक यू टू शुमाइला अलवी, वो बहुत सारे मुझे तस्वीर भेजती रहती हैं चीज़ें बना बना के, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड अ बिग थैंक यू टू ऑल दोज व्यूअर्स फैंस जो हमारी सारी रेसिपीज ट्राई करते हैं। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा कभी भी किसी शो में भी कॉल नहीं मिली, आज फर्स्ट टाइम आपके शो में कॉल मिली है। खुश आमदीद, फरमाइए। आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती है, मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ, मुझे देखने का बहुत शौक है, मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ आपकी। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन आज हमने कोई नहीं रखा। ओके, थैंक यू, आपका बहुत 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 अच्छा शो है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसी तरह देखते रहिएगा, रेसिपीज ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। पके हुए चावल से यू कांट स्टार्ट, सो दैट्स वाई यू हैव टू वेट इट आउट कि चावल आप डालें, लेकिन चीनी आप डालिएगा जब चावल हो जाएं तो, ठीक है। सो आई हैव टू वेट दिस आउट, अगर ब्रेक लेनी हो तो यू कैन डू सो। क्या ख्याल है, ब्रेक भी नहीं लेनी है? ओके, ठीक है। सो चिकन सूप बनाना फिर शुरू कर दूँ? कहाँ है ये सूप इज हियर, देखें यहाँ भी लिखा हुआ है इन्होंने कि 2-in-1 सूप रेसिपी है, मिक्स्ड सैशे है, नूडल का पैक है इनसाइड, ठीक है। MSG नहीं है, 4-5 लोगों को ये सर्व हो जाएगा। और फिर इसमें आप सूप में कोई भी चीज़ें डालना चाहें, सॉसेस वगैरह वो भी वहाँ हैं, चिली सॉस है, सिरका है, सोया सॉस है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो, हेलो हेलो, कैसी हो जरना? मैं ठीक हूँ शुक्रिया जी, आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपका शो देख रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बना रहे हैं और जरूर ट्राई करूंगी मैं। जी जी जरूर करिएगा। और बाकी ये है कि आज का सो कोई सवाल है आपके पास? जी नहीं, सवाल नहीं रखा है हमने। अच्छा, तो मशीन भी ना रखते ना, हमें तो समझते हैं सवाल भी है बस दिखाने के लिए। अच्छा, मैंने कहा शायद कीमा पीसने के लिए मैं भी विन कर लूँ। नेक्स्ट टाइम ट्राई करिएगा जब हम दे रहे हों। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। और ये कि माशाल्लाह बहुत अच्छा शो करती हो। थैंक यू। और समझाने का अंदाज खैर वाकई में आपका बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच, ट्राई करिएगा, रेसिपीज बनाइएगा। इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी, अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ जी। मेक श्योर कि चावल इज डन बिफोर एडिंग एनीथिंग एल्स। तब तक हम इसमें
फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर भी डाल देंगे और माय कुक का कार्डमम एसेंस भी जाएगा। बहुत अच्छी खुशबू है और ये आप इसके साथ मिक्स कर दीजिए। दूध हम डाल देंगे, चावल और गाजर जो हैं वो पक रहे हैं इन आर इसी के पानी में। चावल थोड़ा सा भी हो जाए ना, ठीक है। दूध डाल के फिर हम ब्रेक की तरफ चलते हैं और फिर हम कुकीज़ भी चेक करेंगे इन द ब्रेक। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज। वेलकम बैक। अब देखें यहाँ चावल जब गल जाएं तो आप इसमें चीनी डालेंगे, ठीक है। यस, लॉट्स ऑफ चीनी। रेसिपी फॉलो करिएगा। अगर आपको भी मेरी तरह हाफ बनाना है तो आप हाफ बनाइएगा। रेसिपी विल मेक अ लॉट ऑफ गजरेला, ठीक है। यहाँ आप सोचेंगे मैंने पानी बॉईल करने क्यों रखा है, इसलिए कि हम नूडल्स बॉईल करेंगे, चिकन नूडल्स सूप में जो नूडल्स का सैशे है बेक पार्लर का, उसको फिर उसको छान लेंगे। ये है 2-in-1 सूप रेसिपी भी इसमें है और इसमें सैशे है ऑफ द नूडल्स। ये देखें, बेक पार्लर नूडल्स विल गो इन फर्स्ट। एंड अब हम यहाँ मेरे पास बॉइल्ड चिकन भी है, ये पूरा सैशे जो है ये यखनी है इसमें हम डाल देंगे, ठीक है। एंड वी लेट दिस कुक। इसमें हम बॉयल चिकन भी डाल देंगे साथ ही। ये वही चिकन है मगर मैंने उसका रेशा कर दिया था। नूडल्स को हम बॉयल होने देते हैं। अच्छा जी, अब आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। थोड़ा सा घी या तेल ले लीजिएगा, जस्ट अबाउट अ टेबल स्पून जितना। उसमें आपने आटा लेके होल व्हीट फ्लार उसको लेके भूनना है और फिर गजरेले में एंड में डालना है। दिस इज़ जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ मेकिंग गजरेला, ठीक है। परेशान नहीं हो जाइएगा कि ऐसे तो नहीं बनता है। हमेशा मेरे शो पे आप अलग अलग तरीक़ों से खाना बनाना सीखते हैं ना, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए। ये देखें, चीनी का अपना पानी निकलेगा, तो परेशान नहीं होइएगा कि एकदम लिक्विड कैसे हो गया। होगा ये पकना है, इसने पकाना है। आप टोटा चावल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने बासमती राइस लिखा है और वही यूज़ किया है। खोया आप बाद में डालिएगा ताकि ऊपर से नज़र आए। चॉप अप करके बादाम और पिस्ते जाएंगे और तेल या घी यहाँ थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें आप डाल देंगे ये आटा। एंड देन यू जस्ट एड इट इन द एंड, भून के इसको, ठीक है। यहाँ नूडल्स बॉईल हो रहे हैं बेक पार्लर के चिकन नूडल्स सूप के, और जैसे ही ये हो जाएंगे बॉईल उसको हम ड्रेन कर देंगे। एंड में एग भी इसमें जाएगा। कुकीज़ में मैं देख लूँ, वो भी हमारी हो गई हैं। जी कॉलर हैं, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए। सर जो मैं इतनी अच्छी रेसिपीज बना रही थी, मैंने कहा चलो मैं कॉल कर लेती हूँ। गजरेला की रेसिपी बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह ट्राई करूँ। जी जी जरूर, जी जरूर। अच्छा सर, मैं दो क्वेश्चन करने थे मुझे आपसे। एक तो ये कि पाइनएप्पल केक जो हम बाजार से लेते हैं टक्की वाला, दो बातें पूछ रही हूँ मुझे आपसे। एक तो ये कि जो पाइनएप्पल केक हम बाजार से लेते हैं बैटरी से, जी जी हेलो, जी जी तो बोले। वो उसमें वो बहुत ज्यादा मॉइस्ट होता है और उसमें पाइनएप्पल जूस का फ्लेवर आ रहा होता है। हाँ, तो वो सोक करते हैं ना केक को। अच्छा, तो उसमें मैं बनाती हूँ घर में, पता नहीं मेरे वाले केक में जो है ना वो वेनिला एसेंस का बहुत ज्यादा टेस्ट आ रहा होता है लेकिन पाइनएप्पल का नहीं आता। तो पाइनएप्पल एसेंस डाल दें, वेनिला कम डालें या नहीं डालें? पाइनएप्पल्स अच्छा। काट के डालें बीच में लेयर में और मॉइस्टन करें तो पाइनएप्पल का जूस डालें। अच्छा, पाइनएप्पल के जूस से मॉइस्ट करें? हाँ, दूध से करें या पाइनएप्पल के जूस से करें या फ्रूट कॉकटेल के सिरप से करें, किसी चीज से भी करें, जो चीज आपको पसंद है वो ज्यादा डालें ना।
दूसरा ये कैसरोल डिश जो आती है वो मैंने ली है, तो क्या उसको ओवन में रख सकते हैं? हाँ मैं रखती हूँ ना कांच के डिशेस। अच्छा ठीक है, जब खरीदें तो दुकान वाले को पूछें कि ये ओवन में जाएगा माइक्रोवेव में जाएगा। कांच के डिशेस नहीं जाते हैं, मसलन ये कांच के बोल्स नहीं जाते हैं ओवन में, मगर पायरेक्स का हो, पायरेक्स की जी वो तो मैं रख देती हूँ, लेकिन जो कैसरोल डिश में लेकर आई ना उससे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। अब मुझे नहीं पता ना कैसरोल कौन सा डिश है, लेकिन मोस्टली सारे ही माइक्रोवेव और ओवन फ्रेंडली होते हैं। अच्छा चले ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके नूडल्स भी हमारे हो रहे हैं, इसको मैं बंद कर दूं और नूडल्स को मैं ड्रेन कर दूं। बेक पार्लर का जो सूप हम बना रहे हैं चिकन नूडल सूप, चले अब मैं यहाँ यखनी बॉयल चिकन और सैशे में जो स्पाइस मिक्स था बेक पार्लर का वो यहाँ पकने के लिए छोड़ देती हूँ। जब ये उबाल आ जाएगा हम नूडल्स डालेंगे, फेंट के हम अंडा डाल देंगे, दैट्स इट, ऑल डन। पानी थोड़ा सा और सूख जाए, दूध और मज़ीद रिड्यूस हो जाए, तो हम गजरेले के अंदर ये आटा डाल देंगे, होल व्हीट फ्लावर जो मैंने डाला है। अगर दूध आपने नहीं पहले से उबाला है तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है, मैंने उबाल दिया था कि जल्दी हो जाए बिकॉज ऑफ द शो ना। और कुकीज़ भी देखते हैं, ये वाली तो मैंने निकाल दी हैं, एक्सलेंट, दे आर डन। कुकीज़ निकालते वक्त ट्रे पे से बहुत जल्दी नहीं करते हैं, उससे क्या होता है कुकीज़ टूट जाते हैं, बिकॉज हम कुकीज़ को थोड़ा अंडर बेक करते हैं ना, और ज़्यादा बेक कर दोगे आप तो वो वेरी हार्ड बिस्किट्स बन जाते हैं। सो आराम से उठा के आप जाली पे रखिए, वरना क्या होगा कि आपके सारे के सारे कुकीज़ सॉगी हो जाएंगे अगर आपने फौरन निकालते ही उसको रख दिया किसी फ्लैटर पे। सो निकालें और जाली पे ठंडा करें, नीचे से हवा लगनी चाहिए, और उसके बाद फिर आप सर्व करिए। और ये वाले ट्रे हमारी अभी हो रही है, सो लेट दैट बी डन। इसमें एक उबाल आ जाए सूप में, आप इसमें मकई भी डाल सकते हैं इफ़ यू वांट, बच्चों को कोई वेजिटेबल्स छुपा के खिलानी हो तो ये भी कर सकते हैं आप, छोटी छोटी काट के डाल सकते हैं। इसमें कोई MSG नहीं है, इसलिए लोग पैकेट के सूप से डरते हैं, भागते हैं, लेकिन ट्राई करिएगा। बेक पार्लर का चिकन नूडल सूप भी है, हॉट एंड सार नूडल सूप भी है। एक उबाल आ जाएगा फिर हम अंडा डाल देंगे, एंड दैट्स इट। चलिए इसमें अब वक्त आ चुका है ये होल व्हीट फ्लावर यानी आटा डालने का। एंड जब हम इसको डिश में निकालेंगे तब ऊपर से मैं खोया चॉप करके डालूंगी, बादाम पिसते हैं, चांदी का वर्क है। एंड योर गजरेला इज रेडी, चावल वाला ट्राई करिएगा ज़रूर, ऑलमोस्ट लाइक अ गाजर की चावल की खीर, कंसिस्टेंसी देखें ऐसी होनी चाहिए। ठीक है जी, लेट मी ऐड द नूडल्स इन इट। बेक पार्लर के नूडल्स जा रहे हैं जो हमने अलग से बॉईल कर दिए थे पहले। जिस चिकन में आप, जिस पानी में आप चिकन को बॉईल करें उसको फेंकिएगा नहीं, वो यखनी इस्तेमाल होगी। बस दिस इज़ डन, साइड जब छोड़े तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ एब्सोल्युटली डन। फिर ये नीचे लग जाएगा तो इसको छोड़िएगा नहीं, इसको बस चमचा चलाते रहिएगा और फिर इसको डिश में निकाल दीजिएगा। आप लोग इसको प्लीज़ ठंडा करिएगा, फिर खोया वगैरह डालिएगा। लेट मी स्टार्ट पुटिंग दिस हियर। ब्रेक की तरफ भी हम चलते हैं, ब्रेक से आएंगे तो आपके सामने डेकोरेट करेंगे, मैं बस इसमें से निकाल के रख देती हूँ, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। अब देखें, चांदी का वर्क आप रखना चाहें तो रख दीजिए, जस्ट लाइक दिस ऑन एवरी डिजर्ट, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, फिर खोया है यहाँ, बादाम और पिस्ते हम डाल चुके हैं। ये सब कुछ मुझे बाहर से रखना था फॉर द डेकोरेशन, दैट्स वाई मैंने अंदर नहीं डाला था। आप अंदर भी डाल सकते हैं इफ़ यू वांट। मैं खोया फ्रीज़र में रखती हूँ, फिर फ्रीज़र में से निकाल देती हूँ। हाउएवर मच यू वांट टू यूज़ देन यू कैन यूज़। कुकीज़ हमारे हो गए हैं, देखें तो सही, कुकीज़ दिखाइए प्लीज़। बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना चाहती, वरना फिर ये नज़र ही नहीं आएगा कि हमने बादाम पिस्ते भी डाले हैं। सो दिस इज़ डन, इसको हम वहाँ लेके जाते हैं। टेरिन कल का हमारा रेडी है, और आज हमने बनाया है सूप बेक पार्लर का, वो भी मैं अभी डिश आउट करती हूँ। लेकिन सूप डिश आउट करने से पहले हमें क्या करना है, हमें एक अदद अंडा भी इसमें शामिल करना है। सो व्हेनेवर यू पुट एग, बीट कर दीजिए इस तरह। जब सूप में अच्छी तरह उबाल आ जाए तब आप ऊपर से थोड़ा सा इस तरह डालिए, ठीक है, फिर उसको हिलाइएगा नहीं। फिर उस वक्त ही उस अंडे को वहाँ पक जाने दीजिएगा, फिर उठा के आप उसको मिक्स कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ गजरेला रख दूँ। ये हमारे कुकीज़ हो गए, टेरिन है, और क्या था, सूप, ठीक है। फ़ौरन नहीं हिलाइएगा, उबलते हुए सूप में अंडे को फॉर्म हो जाने दीजिएगा। यू कैन सी यहाँ अंडा फॉर्म हो रहा है, बस इसको फिर हम सूप बोल्स में निकाल के सर्व कर दीजिएगा। चिकन नूडल सूप है विद दी एग, और नूडल्स भी अंदर ही थे बेक पार्लर के, और हमने जो सैशे इसका इस्तेमाल किया स्पाइस मिक्स का, वो भी इसी में है। सो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस बॉयल चिकन डालना है यखनी के साथ और एक अदद अंडा, दैट्स इट। हॉट एंड सार नूडल भी है और चिकन नूडल भी है बेक पार्लर का, ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। फिर सॉसेज भी साथ हैं, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका है सफ़ेद वाला। अगर आप इसी सिरके में मिर्चें बनाना चाहें तो मिर्चों को चॉप करके सिरके में भिगो के सोख करके रख दीजिएगा, फिर उस सिरका मिर्चों वाले फ्लेवर वाले सिरके को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू। ये देखिए अंडा हो गया ना फॉर्म, ये देखा आपने, बड़ा बड़ा अंडा भी फॉर्म हो गया। वरना क्या होता है, पूरा सूप क्लाउडी हो जाता है। अगर आप अंडा डालने के बाद फ़ौरन चमचा चला लेते हैं, पूरा अंडा स्प्रेड हो जाता है, वो उसको फॉर्म तो होने दीजिए। चलिए इसका चूल्हा करते हैं बंद, और इसको हम सूप को डिश में रख देते हैं। नूडल्स भी हैं, अंडा भी है, सूप भी है, यखनी भी है इसमें। बनाइएगा, ट्राई करिएगा, देयर्स सम लवली एग जो ऊपर से डालते हैं। ठीक है जी, ऑल डन। अब ऐसे करते हैं, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, क्लीन अप करते हैं। और अगर आपको मुझे कॉल करनी हो तो नंबर्स हमारे चल रहे हैं, कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो आज की रेसिपीज़ के हवाले से, या वैसे ही कुछ भी पूछना हो खानों से रिलेटेड, शो से रिलेटेड, तो फिर आप ज़रूर मुझे कॉल करिएगा। फ़िलहाल हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए मसाला टीवी। गजरेला, अच्छा, कद्दूकश, गाजर 1 किलो, बासमती चावल आधा किलो, दूध 2 लीटर, चीनी 1 किलो, खोया आधा किलो, हरी इलायची 5 अदद, गंदम का आटा 2 खाने के चमचे, तेल हसपे ज़रूरत, गार्निशिंग के लिए चांदी के वर्क हसपे ज़रूरत, बादाम और पिस्ते चॉप्ड हसपे ज़रूरत। तरकीब, भिगे हुए चावलों और गाजर को अच्छी तरह पकाएं, फिर इनमें दूध और चीनी शामिल करके 10 मिनट पका के ठंडा कर लें। अब इस पर खोया और पिसी इलायची डाल दें, उसके बाद गंदम का आटा और तेल का मिक्सचर शामिल करके चांदी के वर्क, बादाम और पिस्ते से गार्निश करके सर्व करें।
ऑरेंज रोजमेरी सिनेमन बिस्किट्स, अज्जा आइसिंग शुगर एक तिहाई कप, मैदा एक कप, बेकिंग पाउडर एक चाय का चमचा, कस्टर्ड पाउडर आधा कप, पिसीदार चीनी दो चाय के चमचे, खुश्क रोजमेरी एक चाय का चमचा, बारीक कद्दूकस ऑरेंज छिलका एक खाने का चमचा, ठंडा मक्खन चॉप्ड 185 ग्राम, सिनेमन पाउडर के लिए पिसी चीनी एक चौथाई कप, पिसीदार चीनी एक चौथाई कप। तरकीब, फूड प्रोसेसर में चीनी, मैदा, कस्टर्ड पाउडर, पिसीदार चीनी, बेकिंग पाउडर, खुश्क रोजमेरी और बारीक कद्दूकस ऑरेंज के छिलके को ब्लेंड कर लें, फिर इसमें मक्खन डालकर स्मूथ डो बना लें। अब इसे बेलकर डिस्क की शेप दें और प्लास्टिक में लपेटकर 10 मिनट रख दें। उसके बाद बोल में दालचीनी और चीनी मिक्स कर लें। अब एक खाने का चमचा डो लेकर इसमें कोट करें, फिर इसे अलाइन की हुई ट्रे में रखकर ऊपर से चपटा कर लें। आखिर में 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट बेक करके सर्व करें। चिकन नूडल्स सूप, अज्जा चिकन उबली और रेशा की हुई आधा कप, पानी 3.5 कप, अंडा एक अदद, नूडल्स और चिकन नूडल सूप रेसिपी मिक्स साशे एक पैकेट। तरकीब, नूडल्स को नमक मिले उबलते पानी में 5 मिनट तक इतना उबालें कि नरम हो जाए, फिर छलनी से गर्म पानी गिरा के ठंडा पानी गुजारें और एक खाने का चमचा तेल शामिल करके मिक्स कर दें। उसके बाद इसे एक तरफ रख दें। अब एक पैन में 3.5 कप पानी डालकर चिकन उबाल के रेशा कर लें और यखनी अलग रख दें। फिर यखनी में रेशा की हुई चिकन उबले नूडल्स और बेक पार्लर चिकन नूडल्स सूप रेसिपी मिक्स साशे आधा कप पानी में हल करके शामिल करें। अब इसे 2 मिनट तक दरमियानी आँच पर पकाएं। उसके बाद इसमें एक अंडा फेंट कर मिलाएं और 2 मिनट मजीद पका लें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। जी वेलकम बैक। ऑरेंज फ्लेवर के रोजमेरी वाले दालचीनी के बिस्किट्स हमारे रेडी हैं, ट्राई जरूर करिएगा। कुछ अलग अलग बना दिया करें ताकि आपके पास असॉर्टमेंट हो बहुत सारा। सूप हमारा रेडी है, बेक पार्लर का चिकन नूडल सूप जिसमें हमने अंडा भी डाला था, स्पाइस मिक्स इनका था डब्बे के अंदर ही, ठीक है। उसके अलावा नूडल्स भी अंदर थे, आपको अलग से कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा। पानी बॉईल करिए, उसमें नूडल्स डाल दीजिए, उसको पकने दीजिए, पानी छान लीजिएगा और फिर पानी में आप स्पाइस मिक्स डाल के चिकन का एक चिकन ब्रेस्ट फिले लिए थी मैंने और उसको मैंने बॉईल कर दिया था, फिर रेशा कर दीजिएगा। ईजिएस्ट वे रेशा करने का बीटर से है, हैंड बीटर चला लीजिए उस बोल में जिसमें आपने रखा हो चिकन का ब्रेस्ट और वो बिल्कुल फ़ौरन रेशा हो जाता है, ना हाथ से करना पड़ता है ना फूड प्रोसेसर में डाल के करना पड़ता है, ठीक है। और फिर हमने इसको पकने दिया यखनी के साथ और फिर जब ये पक चुका है तो फिर हमने एंड में बिल्कुल इसमें अंडा शामिल कर दिया एंड दैट्स इट। ओके, ये है कल का चॉकलेट टेरिन जो हमने बेक किया था, आराम से निकल आया था टिन में से, हमारे पेपर हमने पील ऑफ कर दिया था, इसीलिए मैंने कहा था कि हम कल दिखाएंगे, बिकॉज फ़ौरन कुछ चीज़ें होती हैं उस वक्त नहीं दिखा सकते हैं। ठंडा हो गया, क्रीम पाइप कर दिया, इसके ऊपर हमने ये क्रंच डाल दिया जो बादाम से हमने बनाया था, अखरोट से भी आप बना सकते हैं और बस कीप इट सिंपल। कोई ऊपर ना कोको पाउडर छिड़कने की ज़रूरत है, ना पाइप करने की ज़रूरत है, कोई क्रीम या चॉकलेट या कुछ भी, बस कीप थिंग्स सिंपल, ठीक है। और गजरेला भी जो हमने बनाया था, एक बार फिर उसका रिकैप कर दूं। गाजर मैंने लिए थे आधा किलो और फिर मैंने 1/4 किलो मतलब 8 ounces मैंने चावल लिए थे, 1 liter दूध था जिसको मैंने बॉयल करके कम कर दिया था, आधा किलो चीनी थी और मैंने खोया लिया था 8 ounces जितना। खोया आप अंदर डालना चाहें अंदर भी डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ ऊपर के लिए रखा था। बादाम पिस्ते भी ऊपर गए थे और चांदी का वर्क भी ऊपर गया था, ठीक है जी। और बहुत थोड़ा सा तेल लेके 1 चमचा भर के आटा हमने उसको भून लिया था अलग से और फिर उसको हमने गजरेले में डाल दिया था। एंड में दूध को आपको अच्छी तरह पकाना है। सबसे पहले तो आप गाजर और चावल पकाएंगे, जब चावल पक जाएंगे फिर आप चीनी डालेंगे, दूध डालेंगे, पहले से नहीं डाल दीजिएगा प्लीज़, स्पेशली चीनी। चीनी पहले डालने से क्या होता है, चावल कच्चे होंगे तो वो ऐसे ही जकड़ जाएंगे और मज़ीद वो पकेंगे नहीं। सो चावल पकें फिर ही हमेशा हम चीनी डालते हैं। चीनी का अपना भी पानी निकलता है, उसको भी अच्छी तरह भून लीजिएगा और चमचा चलाते रहिएगा वरना दूध नीचे लग जाएगा, ठीक है, स्पेशली अगर आप ताज़ा दूध यूज़ कर रहे हैं तो। सो ऑल आर रेसिपीज़ आर डन फॉर टुडे। आई होप आपने रेसिपीज़ ट्राई करनी है, आज शो फॉलो किया होगा। रात में 12 बजे और सुबह 9:30 बजे मेरा शो रिपीट होता है। तो चलिए अब कल मुलाकात होगी विद लवली रेसिपीज, तो देखिएगा ज़रूर। 3:30 से 4:30 हम लाइव होते हैं आपके साथ, पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे। और इस सैटरडे संडे से याद रखिएगा दोपहर में 12:30 और शाम में 7 बजे गेट सेट कुक बाय डॉलन्स मेरे साथ ज़रूर देखिएगा। डॉलन्स के सारे अप्लायंसेस मैंने यूज़ किए हैं और मैंने बहुत सारी मज़ेदार रेसिपीज़ बनाई हैं, नई सारी हैं, सो ज़रूर मेरे साथ रहिएगा सैटरडे संडे भी। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।
मजीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।